हेलो फ्रेंड्स एंड फेलो फोटोग्राफर्स, मैं हूं कुणाल द फोटोग्राफी ब्लॉगर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसा इशू जो आप में से काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है कि एक ऐसा लेंस, या मैं आज बात करूंगा मल्टीपल लेंसेज जो 10,000 के अंदर आते हैं और आपको एक अच्छा ब्लर इफेक्ट देते हैं। तो आज हम चार लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो मिक्स हैं, कैनन और नाइकॉन दोनों का। तो ये ऐसे लेंसेज हैं जो आपको 10,000 या उससे कम के पड़ेंगे और आपको एक अच्छा ब्लर इफेक्ट अपनी फोटोज़ में मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले लेंस के साथ। तो जो पहला लेंस है वो 7300 लेंस, इसका एपर्चर जो है वो वेरिएबल रहता है f4 से f5.6 तक। तो अगर आप 70mm पे यूज़ कर रहे हो तो 70mm पे आपको f4 का एपर्चर वैल्यू मिलेगा, और आप जैसे 300mm पे चाहते हो तो आपका एपर्चर जो है वो मिनिमम f5.6 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि f5.6 पे कैसे आपको एक अच्छा ब्लर इफेक्ट या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल सकता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने आपको बताया था कि तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका ब्लर जो है वो डिपेंड करता है, अगर नहीं देखा आपको ऊपर आई कार्ड में वीडियो दिख जाएगा तो आप वो देख सकते हो। तो जो तीन फैक्टर्स थे उसमें से दो फैक्टर हैं एपर्चर वैल्यू और फोकल लेंथ। तो अगर आपका, पहले हम बात करते हैं फोकल लेंथ के बारे में, तो कंसिडरिंग कि आप 300mm पे यूज़ कर रहे हो तो 300mm काफ़ी ज़्यादा फोकल लेंथ होता है, और इतने ज़्यादा फोकल लेंथ पे आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आपकी कम होती जाती है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। इसका मतलब है कि जो आपको ब्लर इफेक्ट है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अब जो सेकेंड फैक्टर है वो है अपर्चर वैल्यू। तो अगर आप 300mm पे f5.6 भी यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा एक सेटिंग है आपको ब्लर इफेक्ट लाने के लिए। तो अगर आप एक बजट लेंस देख रहे हो जिसमें आपको फोकल लेंथ भी वेरिएबल मिले, मतलब 70mm से 300mm के बीच में, और आपको ब्लर इफेक्ट भी चाहिए पोर्ट्रेट्स में, इवन अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो आप इस लेंस से कर सकते हो और आपको ब्लर इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लेंस है, आपको मल्टीपल जो अलग अलग सिचुएशंस में आप फोटोज खींच सकते हो इस लेंस से और विद ब्लर इफेक्ट। तो ये मेरा पहला चॉइस रहेगा। इसमें आपके पास निकॉन में 70-300mm लेंस आता है, कैनन में आपको 75-300mm लेंस मिलेगा, तो आपको 75-300 कैनन में ऑप्शन मिलेगा, नाइकन में आपको 70-300 का लेंस मिल जाएगा। आपके पास दो और ऑप्शंस हैं, टैमरॉन और सिग्मा, इन दोनों कंपनीज के 70-300 f4 टू 5.6 लेंसेज आते हैं, आप वो भी लेंसेज ट्राई कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा आप कंपनी के लेंसेज, नाइकन या सोनी, आप ये प्रेफर करें। अगर आपको ये लेंसेज नहीं मिलते तो आप सिग्मा या टैमरॉन की तरफ जा सकते हो। अब जो दूसरा लेंस है वो है आप सबका फेवरेट 50mm f1.8। तो ये लेंस ऐसा है जो आप क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम दोनों में यूज़ कर सकते हो, और एक ये ऐसा लेंस है जो शायद आपको मार्केट में काफ़ी मुश्किल से मिले बिकॉज इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और हर एक आप भी यही लेंस प्रेफर करोगे लेना। और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट एक ये ऐसा ऑप्शन है जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है बिकॉज आपको जो फोकल लेंथ 50mm मिल रहा है वो चाहे आप क्रॉप सेंसर पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हो वो एक तरह से एक परफेक्ट फोकल लेंथ है पोर्ट्रेट्स क्लिक करने के लिए या फैशन शूट्स करने के लिए। तो ये 50mm f1.8 आपको नाइकॉन और कैनन दोनों में मिल जाते हैं और ईजिली आपको 10,000 से कम का ही मिलेगा। आपको अगर लिंक्स चाहिए ऑनलाइन के, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो जो भी आपको बेस्ट प्राइस लगे। और जैसे मैंने आपको प्राइम लेंसेज के बेनिफिट्स की वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं चेक किया आपको ऊपर आई कार्ड में दिख जाएगी, वहां पे मैंने आपको बताया था जो प्राइम लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू अ जूम लेंस। अगर आपको इतनी फोकल लेंथ नहीं चाहिए वेरिएबल 70 से 300mm, तो आप 50mm f1.8 में इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगा और काफ़ी अच्छा ब्लर इफेक्ट आपको इससे मिल जाएगा। तो अब अगर मैं थर्ड लेंस की तरफ चलूँ वो है नाइकन का 35mm f1.8। अब हो सकता है आप 50mm से शूट करते हो, आपको फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा लगती हो, आपके पास हो सकता है कई सिचुएशंस में इतना रूम नहीं होता कि आप पीछे जा सकें और आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उस फोटो में ले सकें, तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ थोड़ा सा वाइड मिलता है और अपर्चर आपको f1.8 मिलता है। तो ये एक परफेक्ट लेंस है अगर आपको ग्रुप फोटोज़ लेनी है वेडिंग में, जैसे आप ले सकते हैं, आपकी काफ़ी क्वेरी रहती है, तो एक काफ़ी अच्छा लेंस है। नाइकन में आपको थोड़ा एंगल वाइड मिल जाता है, अपर्चर f1.8 मिलता है, उस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट लेंस है एक वाइड एंगल प्राइम लेंस के हिसाब से। अब अगर मैं लास्ट लेंस की तरफ चलूं वो है कैनन का वाइड एंगल प्राइम लेंस और यह है 24mm f2.8।
तो ये अगेन काफ़ी ज़्यादा वाइड है 50mm से अगर आप कंपेयर करो, बट अगेन जैसे मैंने बताया अगर आप ग्रुप शॉट्स लेते हो, इवन अगर आप लैंड्स के फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको f2.8 तक जाने का यहाँ पे इस लेंस में ऑप्शन मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा लेंस है अगर आपको थोड़ा वाइड एंगल चाहिए बट आपको ब्लर इफेक्ट भी चाहिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, तो ये लेंस काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए अगर आप कैनन यूज़र हो। अगेन ये आपको क्रॉप सेंसर में ही कंपेटेबल होगा, फुल फ्रेम में आप इसे नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ये ऐसे चार लेंसेज थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मेरे को लगता है कि काफ़ी बजट लेंस हैं, 10,000 के अंदर आपको ये सारे लेंसेज मिल जाते हैं। तो चाहे आप कैनन के यूज़र हो या नाइकन के, आपके पास अब अच्छी ऑप्शंस हैं 50mm को छोड़ के भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं या आगे की वीडियोज़ के लिए आइडियाज़ आप शेयर करना चाहते हो तो भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Take care and keep clicking.